बार फिर से स्वागत है अपने सारे दर्शक का द इनक्रेडिबल्स में। लेकर आ गई हूँ मैं दोबारा से एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। बताने जा रही हूँ आपको कश्मीरी आलू दम की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ पे 1 किलो छोटे आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से पील ऑफ करके धो लिया है। यहाँ पे मैंने प्याज 3 लिए हैं, जिसमें से 2 को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और 1 को मैंने रफली कट कर लिया है, क्योंकि मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। मैंने यहाँ टमाटर 1 बड़ी साइज की ली है, मिर्च मैंने स्वाद अनुसार लिए हैं, अदरक 1 इंच के लगभग ली है, लहसुन की 10 से 12 कलियाँ ली है, छोटी इलायची 5 से 6 लिए हैं, लौंग मैंने 6 से 7 लिए हैं, दालचीनी मैंने 1 इंच के लगभग ली है, बड़ी इलायची मैंने 1 ली है और जायत्री भी मैंने 1 ली है। इन सब का मैं एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लूँगी। टमाटर का पेस्ट मैं अलग से बनाऊँगी। यहाँ मैंने लिया है कस्तूरी मेथी, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। दही लिया है मैंने 50 ग्राम, ये घर की बनी हुई फ्रेश दही है। और 18 से 20 काजू लिए हैं मैंने, जिसका मैं पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध, जो कि 240 ml है। दूध रूम टेम्परेचर में है। यहाँ मैं आलू में फोक की मदद से छेद बना लूँगी, ताकि मसालों की फ्लेवर आलू में अंदर तक जाए। कई लोग आलू को उबालकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑथेंटिक कश्मीरी आलू दम में आलू को उबालते नहीं, फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने 1 कढ़ाई गरम कर ली है। अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी। इसमें मैं आलू फ्राई करूंगी, इसलिए तेल की क्वांटिटी ज्यादा लूंगी। यहाँ तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। हमें आलू को मीडियम टू लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, क्योंकि इसी समय आलू को हमें कुक करना है। हाई फ्लेम में फ्राई करने से आलू ऊपर से फ्राइड दिखेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। मैं आलू को बीच बीच में ढककर फ्राई करूंगी। यहाँ आलू फ्राई हो चुकी है, इसे मैं निकाल लूंगी और आलू के ठंडा हो जाने के बाद मैं दोबारा इसे फ्राई करूंगी, ताकि आलू ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ दोबारा से मैं आलू को ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून नमक। इसे दोबारा से ढक दूंगी। और यहाँ फ्राई हो चुकी है आलू, अब इसे मैं निकाल लूंगी। कढ़ाई में तेल बहुत ज्यादा है, इसलिए तेल को भी मैं यहाँ कम कर लूंगी। तेल यहाँ ऑलरेडी गर्म है, तो मैं इसमें डाल दूंगी 2 तेज पत्ता। डाल दूंगी 1 टेबलस्पून साबुत जीरा। डाल दूंगी 2 पिंच के लगभग हींग।
यहाँ डाल दूंगी बारीक कटे प्याज और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूंगी। यहाँ डाल दूंगी अदरक, मिर्च, लहसुन और गरम मसाले का पेस्ट, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था। इसे भी अच्छे से भून लूंगी मैं। यहाँ डाल दूंगी 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, डाल दूंगी 1 टेबलस्पून हल्दी, यहाँ मैंने 1/2 टेबलस्पून करके डाला है। बहुत लोग ये क्लेम करते हैं कि सूखे मसाले डालने से मसाले जल जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गैस स्टोव के नॉब पर कंट्रोल रखिए, मसाले कभी नहीं जलेंगे। सूखे मसाले डालने समय फ्लेम लो कर दें, मसाला कभी नहीं जलेगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, इसलिए मैं मसाले ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ डाल दूंगी 1/2 टेबलस्पून सौंफ पाउडर, यहाँ मसाले ने ऑयल रिलीज कर दिया है। अब मैं डाल दूंगी टमाटो प्यूरी, इसे भी मैं 3 से 4 मिनट के लिए ढक के भून लूंगी। डाल दूंगी यहाँ काजू का पेस्ट, इसे भी अच्छे से भून लूंगी। डाल दूंगी दही, लो फ्लेम में चलाते हुए क्रम में दही डालें, वरना दही फट सकती है। देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भून चुका है, कितनी सुंदर कलर आई है मसाले में। ये कलर बिना किसी तरह के फूड कलर का इस्तेमाल किए हुए आई है। डाल दूंगी यहाँ दूध, ये मलाई वाली दूध है, इससे सब्जी की टेस्ट इनहांस हो जाएगी। ग्रेवी का कलर कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, जो सब्जी देखने में इतना सुंदर, वो खाने में कितना टेस्टी होगा। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे भी पका लूंगी। यहाँ मसाला हमारा तैयार हो चुका है।
डाल दूंगी यहाँ कस्तूरी मेथी, देखिए ग्रेवी हमारा कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। इतना ही टेम्पटिंग आप भी इसे बना सकते हैं। अपने घर में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। डाल दूंगी यहाँ 3/4 ग्लास पानी। आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से डालें। यहां एक उबाल आने का इंतजार करूंगी। उबाल आ चुका है, डाल दूंगी इसमें फ्राइड आलू। ढककर 2 से 3 मिनट पका लूंगी ताकि सारे फ्लेवर्स आलू के अंदर चले जाएं। यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और बन के तैयार है हमारी कश्मीरी आलू दम। इसे आप चावल, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। दोस्तों ये रेसिपी दिखने में जितनी स्वादिष्ट लग रही है उतना ही ये खाने में भी है। आप इसे अपने घर में जरूर बनाएं और जरूर कॉमेंट करके हमें बताएं कि ये कैसी बनी थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।